नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यानी जो नव गठित संसद होगी उसमें विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठा नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें 370 सीटें कम से कम लाएगी, जबकि 30 सीटें कमोबेश 30 सीटें उसके सहयोगी संगठनों को, उसके सहयोगी राजनीतिक दलों को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तथ्य कथ्य ने वास्तविक राजनीतिक जमीन दिखा दी विपक्ष को। अब वैसे तो अपोजिशन अलायंस का गठन किया गया था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपोजिशन अलायंस का गठन किया गया था। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन अलायंस में जोतम पैजार हो रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर वाक युद्ध चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वह अपोजिशन अलायंस यानी कांग्रेस को एक भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं देगी। पश्चिम बंगाल में फिलहाल कांग्रेस के 2 सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें और 22 लोकसभा की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का भी है, तो वहीं 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो अपोजिशन अलायंस का जो मुख्य राजनीतिक घटक दल है कांग्रेस, उसे पश्चिम बंगाल में मुंह की खानी पड़ी। अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट अपोजिशन अलायंस में नहीं मिलेगी, ऐसा साफ दिख गया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल का मुख्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उसने साफ कर दिया कि वह सभी 42 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देगी। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है, भले ही 1-2 सीट ले आए। इसी तरह से पंजाब में भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ साथ पंजाब ने भी कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दिया। अब ले देकर के बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पर सभी क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की निगाहें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने पहले ही साफ कर दिया कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और ना कांग्रेस के साथ जाएगी। यानी यूं कहें कि ना तो मायावती यूपीए में जाएंगी, ना एनडीए में जाएंगी, कहीं भी नहीं जाएंगी और अपने अकेले दमखम पर यूपी में पूरा चुनाव लड़ेंगी। अब यूपी में पूरी तरह से 80 सीटों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जोड़ तोड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए खींचतान चल रही है कि कौन अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े गठबंधन में यानी अपोजिशन अलायंस। अब अपोजिशन अलायंस में कहने के लिए साफ तौर पर 2 ही राजनीतिक दल बच रहे हैं, एक कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी। अब वैसे अपोजिशन अलायंस में अभी तक तो राष्ट्रीय लोकदल सामने दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल भी छिटक कर अपोजिशन अलायंस से एनडीए में चला गया, यानी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक दल या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने अपोजिशन अलायंस में सहयोगी दल मानते हुए राष्ट्रीय लोक दल यानी जयंत चौधरी को 7 सीटें दे दी थी, जिसमें बागपत, हाथरस, मथुरा सहित उस इलाके यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दी थी। लेकिन शायद मौके की नजाकत भाप कर जयंत चौधरी ने भी पाला बदलने का मन बना लिया है, क्योंकि जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोकदल ने 2014 और 2019 में एक भी सीट लोकसभा में हासिल नहीं की थी, क्योंकि 2014 और 2019 में लोकदल यानी राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए के साथ चुनाव न लड़ करके अकेला 2014 2019 में राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी एनडीए में शामिल नहीं हुए, लिहाजा उनको एक भी सीट नहीं मिली।
यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे वह अपना गढ़ मानते हैं, वहां के जाटों ने और उनके समर्थकों ने एक तरह से उनको ठेंगा दिखा दिया कि राजनीतिक हैसियत आपकी कुछ भी नहीं है। हालात यहां तक रहे कि 2014 और 2019 में राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खुला लोकसभा में। अब ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी ने एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी है और अपना राजनीतिक भविष्य देखा। जैसा कि खबरों में आ रहा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख हैं जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिले और इस मुलाकात में जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों का ऑफर भी मिल गया भारतीय जनता पार्टी से। इसमें कैराना है, मथुरा है, बागपत है, इसके अलावा 4 सीटें हैं, कुल मिलाकर के 4 सीटें देने का प्रस्ताव यानी ऑफर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से जयंत चौधरी को मिल चुका है। अब अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो यह 4, 6, 7 भी हो सकती हैं। इस तरह से जयंत चौधरी अपना राजनीतिक भविष्य देखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए लालायित दिख रहे हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी या अपोजिशन अलायंस के साथ रहते हैं तो कोई निश्चित नहीं है कि वह एक सीट भी निकाल पाए, क्योंकि जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोकदल पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा धोखा खा चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जाट समुदाय के बीच में पैठ कम है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को हाशिए पर खड़ा कर दिया था, उससे साफ जाहिर है कि जाट समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी भी साथ चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होगी, जयंत चौधरी को भी मजबूत होने का बड़ा मौका मिलेगा। अब यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी जाते हैं तो अपोजिशन अलायंस को यानी कांग्रेस को यह एक और बड़ा तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल और पंजाब में झटका खाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उम्मीद लगाई थी, बड़ी आस लगाए बैठी थी कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा करिश्मा कांग्रेस कर पाएगी, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी अपोजिशन अलायंस का साथ जोड़कर भाग निकले हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर, उससे अब यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को तगड़ी चोट लगने वाली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं और अपनी नवगठित सरकार बना चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो अपोजिशन अलायंस पश्चिम बंगाल में टूटा, अपोजिशन अलायंस बिहार में टूटा, अपोजिशन अलायंस पंजाब में टूटा, अब अपोजिशन अलायंस उत्तर प्रदेश में टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि वैसे देखें तो राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अपनी खास अहमियत है, खास वजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। तो इस तरह से देखें तो कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश उसकी आखिरी उम्मीद थी, अब यहां भी उसे तगड़ा झटका लग गया। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विपक्ष पर निशाना था वह खास तौर से कांग्रेस पर निशाना था कि कांग्रेस, हालांकि उन्होंने विपक्ष का नाम लेकर कहा था कि विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठा नजर आएगा, तो कोई बड़ी बात ना होगी कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक उसकी हैसियत ना रहे, यानी अपोजिशन का जो लीडर होता है वह भी कांग्रेस का ना होकर किसी अन्य राजनीतिक दल का हो सकता है। हालांकि यह तो चुनाव परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यह राजनीतिक विशेषज्ञों को, विश्लेषकों को दिख रहा होगा कि कांग्रेस की हैसियत दिन पर दिन यानी कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत दिन पर दिन गिर रही है, मुख्य विपक्षी दल से भी उसका नाता टूटता नजर आ रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कहा कि विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठा नजर आएगा, यानी आज का विपक्ष यानी कांग्रेस दर्शक दीर्घा में, यानी उसकी हैसियत ऐसी नहीं होगी कि वह संसद में मुख्य विपक्षी दल हो।
आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।